नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, दाने के बी और बीएससी का जो पेपर होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके पेपर के बारे में बात करेंगे। देखो भैया, रेगुलर विद्यार्थियों का यह पेपर 80 नंबर का होता है और इसमें 32 नंबर चाहिए होते हैं पास के लिए, जबकि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का यह पेपर 100 नंबर का होता है और उसी के हिसाब से आपको 40 नंबर इसमें पास के लिए चाहिएंगे, क्योंकि 50 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। सीधे चलते हैं इसमें। आपको देखो यहाँ पे पार्ट डिवाइड होंगे, जिसमें पार्ट ए आएगा उसमें मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और पार्ट बी जो रहेगा उसमें बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। और ये आपके चार यूनिट आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ना। बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं सीधे सेकंड सेमेस्टर का, ध्यान रखिए ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी का। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत, प्रकृतियों, विषय क्षेत्र की विवेचना करो। यानी पहले जो यूनिट है उसमें से क्वेश्चन कन्फर्म आता है और इन्हीं में से एक चीज पूछ लेगा। दूसरा, बात करें मानव भूगोल में निश्चयवाद में संभववाद विचारधारा का वर्णन करो। तीसरा क्वेश्चन है, प्रजाति क्या है, प्रजाति के वर्गीकरण के लक्षणों का वर्णन करो तथा प्रजाति से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन करो। चौथा भैया, जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एस्किमो, नागा, भील और इसमें एक बुशमैन जनजाति और होती है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कन्फर्म, एक जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और चारों लगभग लगभग सिमिलर हैं, बस पढ़ने की आवश्यकता है एक बार, है ना, और सभी के पॉइंट्स भी सेम है तो आप देख जाना एक बार अच्छे तरीके से। पांचवा क्वेश्चन भैया, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करो तथा जनसंख्या सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताइए। छठा क्वेश्चन है, नगरीकरण क्या है, नगरीकरण के वृद्धि के कारणों को समझाइए। नगरीकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, नगरीय बस्ती से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर सात की बात करें, प्रवसन, मानव स्थानांतरण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो एवं अंतर्राष्ट्रीय मानव प्रवसन के कारणों व प्रभावों को इंगित करो। आठवां क्वेश्चन है, केंद्रीय स्थल का अर्थ बताते हुए केंद्र स्थल सिद्धांत का मूल्यांकन करो, और इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से हो सकता है कि एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल जाए लेकिन चांस कम है। लेकिन शॉर्ट में बात करूँ तो निश्चयवाद क्या होता है, जनसंख्या वितरण क्या होता है, जनसंख्या वितरण से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बात करें यहाँ पर नगरीय बस्ती और साक्षरता में लिंगानुपात, इनसे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रहे आपके ज्योग्राफी के सेकंड सेमेस्टर के ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पेपर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गई, ये चार यूनिट हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा, कम से कम दो यूनिट तो आपके ऐसी होनी चाहिए जहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको पढ़ना है भैया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए हैं। पासिंग मार्क्स फिर से बता देता हूँ, रेगुलर वाले विद्यार्थियों को 32 नंबर चाहिए पास होने के लिए, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर 40 नंबर चाहिएंगे पास होने के लिए इस पेपर में। प्रैक्टिकल का पासिंग मार्क्स अलग होता है, ध्यान रखें। तो आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।